जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन में हमने पहले कवर कर लिया है आपका बेसिन, है ना, महानदी बेसिन हमने कवर कर लिया है। महानदी बेसिन, ठीक है, एम बी लिख देता हूँ, महानदी बेसिन है। इसकी सीमांत उच्च भूमि अभी हमने कवर कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है कि जसपुर कुश्मी पाठ, है ना। छत्तीसगढ़ को हमने कई भागों में बांटा था। यदि आप नहीं देखा है तो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक पार्ट को कवर कर लिया। टोटल हमारे पास 4-5 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका छत्तीसगढ़ का बेसिन, है ना, उसके बाद उस बेसिन के चारों ओर उच्च भूमियाँ, फिर होता है आपका मैन पार्ट वाला एरिया, फिर होता है बघेल खंड वाला, फिर नीचे है आपका दंडकारण्य का पठार। ये इसका भौतिक विभाजन है, है ना। ये इसका राजनीतिक विभाजन नहीं है, फिलहाल ये भौतिक विभाजन है। और हम भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं तो दो टॉपिक, एक टॉपिक मान लेते हैं कि महानदी बेसिन और उसके उच्च भूमि को हमने पढ़ लिया है। आज हमारा सेकंड टॉपिक है जसपुर कुश्मी पाठ। हमारे छत्तीसगढ़ के ना उत्तर पूर्वी भाग में, ये है ना, ये छत्तीसगढ़ है, इसके उत्तर पूर्वी भाग में एक पाट प्रदेश है। पाट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये मैदान है, ये है ना, ये मैदान है। इस मैदान से कुछ उठा हुआ ऊपर ऐसा, 1000 से ऊपर, है ना, 1000 मीटर से ऊपर, वो एक ऐसा चौड़ा टाइप का है। यदि ऐसा नुकीला होता तो उसको हम पर्वत पठार, भाई इसको पर्वत पहाड़ बोल सकते थे, लेकिन ये नुकीला, इसका सिरा नुकीला नहीं है, इसमें इस प्रकार का ये चौड़ा होता है ना, सामान्य समतल भूमि से थोड़ा ऊंचा होता है, और वो समतल सपाट होते हैं जिसमें जनसंख्या निवास करती है। जिसमें वैसे तो पहाड़ों में भी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन इसके अपेक्षा इसे पठारों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसकी जलवायु कुछ अजीब होती है, अलग होती है। तो हमको हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ पाठ प्रदेश हैं। पाठ में आपका फेमस है आपका जसपुर कुश्मी का पाठ। तो इसमें बहुत सारे पाठ प्रदेश हैं, हमको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यह हमारे छत्तीसगढ़ सबसे पहले ये उत्तरी पूर्वी भाग में है, बिल्कुल है, देखिए उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक है। इसका प्रतिशत हिस्सा देखिए बहुत कम है, तो इसके यहाँ जनसंख्या भी कम होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पाठ प्रदेश है, है ना। कितना प्रतिशत रखता है ये, 4.59 प्रतिशत ये अपना हिस्सा रखता है, ठीक है। तो किस किस ज़िले में ये किस किस ज़िले में इसका विस्तार है, इस पाठ प्रदेश का, तो इसका है जशपुर और बलरामपुर दो ही ज़िलों में लगभग इसका विस्तार है, जहाँ पठारे पाई जाती है, ठीक है। इसकी ज़मीन कैसी है, तो ज़मीन इसकी पठारी है। ज़मीन पठारी का मतलब बता दिया हूँ मैं, आग्नेय चट्टान। अभी जो पठार है वो आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय मतलब जैसी लावा जो निकल के बाहर आता है, है ना, आग्नेय चट्टान जैसी, जैसी देखिए, जैसे यहाँ भूकंप या सुराख होगा तो यहाँ से ऐसे लावा निकल के ऐसे बाहर आ जाएगा, और यहीं आप पूरा जम जाएगा, और इसी से एक चट्टान बनते हैं, उसी को बोलते हैं हम आग्नेय चट्टान। धरातल कैसे है, धरातल सीढ़ीनुमा है। अब सीढ़ीनुमा होने का कारण भी फिक्स के दिख लीजिए, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि पठार कुछ इस प्रकार से रहता है ना, ये जगह जगह एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा, जैसे यहाँ भी एक अलग होगा, ऐसे ऐसे, है ना, अलग अलग, ऐसे अलग अलग जैसे रहता है, तो सीढ़ीनुमा रहती है। सीढ़ी मतलब ऐसे, एकदम आपके सीढ़ी जैसे नहीं रहेगा, जैसे हमारे घर में जो यूज़ करते हैं सीढ़ी वैसे नहीं रहेगा, लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि आपको जब भी आप पठार से मैदान की ओर जाएंगे या फिर मैदान से पठार की ओर चले जाएंगे तो आपको सीढ़ी नुमी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसका जो एरिया है सीढ़ी नुमा है, ठीक है, ये होता है। और इसी को हम पाट प्रदेश कहते हैं, इसी को हम पाट प्रदेश कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में यह पाट प्रदेश होता है, जसपुर कुश्मी पाट हो पाट प्रदेश बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपके जसपुर है, बलरामपुर है, कुश्मी तहसील है, मैन पाट, ये सब आते हैं। मैन पाट को हम शिमला कहते हैं छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, ठीक है। समतल भाग को हम पाट कहते हैं, बोला ना, ये जो समतल भाग है इसी को हम पाट कहते हैं, इस समतल भाग को हम पाट कहते हैं, इसी समतल भाग को हम पाट कहते हैं। तो जसपुर कुश्मी पाट प्रदेश प्राचीन शैलों से बना हुआ है, अधिकांश इसमें आग्नेय शैलों से बना हुआ है, ठीक है। जसपुर कुश्मी पाट का जो धरातल है वो सीढ़ीनुमा जैसा है, जिसमें बता रहे हूँ, जैसे यहाँ से उतरेंगे जाएंगे ऊपर नीचे तो ये सीढ़ीनुमा टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कई एकदम आपको तीव्र ढाल भी मिलेंगे, देखिए कि पठार है, पर्वत है ना, वो उसको
प्रकृति द्वारा वो बना है, तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा ढाल मिलेगा। ठीक है, तो ईब और मैनी नदी इसी ढाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ईब और मैनी नदी आपके जसपुर क्षेत्र में पाए जाएंगे और इसी ढालों में आपके ईब और मैनी नदी मिलेंगे। याद रखिएगा, नदी कभी भी आपके ऊपर नहीं मिलेंगी, वो हमेशा नीचे बहती है। तो नदी जो है आपका ईब और मैनी नदी जो है, कौन कौन सी नदी? ईब है ना, ईब और मैनी नदी। ईब और जो मैनी नदी है आपको इसी ढाल के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, शिखर वाले समतल प्राय मैदान रहते हैं। शिखर वाले मैदान इसको बोल रहे हैं, है ना, उसे बहुत चौड़ा हो जाता है तो इसको हम मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक है, जसपुर जिलों में मैनी नदी के उत्तर भाग में होते हैं, उसे हम नीच पाट कहते हैं। जैसे मैनी नदी है उसके नीचे उत्तर वाले भाग या फिर नीचे वाले भाग को हम हम क्या बोलते हैं? नीच पाट, नीच घाट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुशमी घाट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुशमी पाट ऊपरी घाट। कुशमी घाट ऊपरी घाट, यहाँ बहुत सारे पाट प्लेस के नाम है, जैसे मैन पाट है, जसूर पाट है, पंडरा पाट है, जारंग पाट है, जामरी पाट है, शामरी पाट है, ये सब पाटे हैं। ठीक है, ये सब पाट हैं। तब देखते हैं जसपुर जिले के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर में, मतलब जसपुर के ऊपर और बलरामपुर के नीचे, जसपुर के ऊपर और बलरामपुर के नीचे जो है यह कुसमी पाट पाया जाता है। इसके अंतर्गत आपका खुरिया और जसपुर पठार भी आते हैं। यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेनाइट युक्त चट्टानी दीवार मिलती है। ग्रेनाइट की यहाँ दीवारें, क्योंकि यहाँ पे आग्नेय सेल से बना हुआ है, इसलिए आपको ग्रेनाइट वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, कोयला नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयला जो है गोंडवाना वगैरह में मिलता है, जबकि ये आग्नेय है, ये आग्नेय चट्टान है। गंगा और महानदी की जो सहायक नदियों का विच्छेद करता है, गंगा और महानदी, जैसे महानदी की जो नदियाँ हैं वो नीचे की ओर बहती है और गंगा की जो नदी है वो ऊपर की ओर बहती है, तो इन दो नदी को ये यहाँ भी ये जल विभाजक का कार्य करता है। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया, ऑप्शन में आ गया कि पाट प्रदेश क्या हमारे जल विभाजक का कार्य करते हैं, तो बिल्कुल पाट प्रदेश जो है जल विभाजक का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं खुरिया पाट। खुरिया पाट, खुरिया पाट यहाँ पे कहीं पे खुरिया पाट होगा, खुरिया पाट है ना, ये गंगा नदी का जल विभाजक करते हैं। खुरिया पाट पठार पाया जाता है, इसमें खुरिया नामक पठार, इसे वैसे तो बहुत सारा पठार है, मैन पाट है, जारंग पाट है ना, जशपुर पाट है, सामरी पाट है, जमीर पाट है, इस प्रकार इसमें यहाँ खुरिया पठार भी पाया जाता है। पंडरा पाट, बिरजूडी, भंवरा पाट, तेंदू पाट, देखिए सब पाट का नाम है, भंडरा पाट, बिरजू पाट, भंवरा पाट, तेंदू पाट और शुलशा पहाड़ी पाट, ये सब इसमें पाट प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट अगला पेज देखते हैं। अगला है हमारा नीच घाट जसपुर पाट। यहाँ ईब और मैनी नदी की घाटी भी कहते हैं। नीच घाट में आपकी ईब और मैनी नदी भी है। देखिए आपको इमेज में ऐसा कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, आप इसमें समझते जाइए, यदि लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। ईब और मैनी पाट की भी कहते हैं, ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। नीच घाट को हम ईब और मैनी घाटी भी कहते हैं। यहाँ आपका माखेल और कोसंगा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ क्या है? माखेल और कोसंगा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर श्रृंखलाबद्ध है, जिसे हम माखेल और कोसंगा कहते हैं, उत्तर एरिया में है ना। उत्तर एरिया में पहाड़ों की श्रृंखला, देख पहाड़ों की श्रृंखला कैसी होती है, ऐसी होती है, इसको हम माखेल और कोसंगा की पहाड़ियाँ कहते हैं। उत्तरी भाग में है ये आपके उत्तरी भाग में है जसपुर पाट के, इसी को हम माखेल और कोसंगा कहते हैं। नाम सुने रहेंगे तो एक वन आंसर इसको ले लेगा, है ना, वन एक नंबर के आंसर में से पूछेगा कि माखेल और कोसंगा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में, तो यह है नीच घाट जशपुर पाट में। नीच घाट जशपुर पाट में इसका है ये। ये स्थलाकृतियाँ है ना, नदियों द्वारा दीर्घकर होने पर अपवर्धन से प्रभावित है। यहाँ से हमेशा नदियाँ बहती रहती है, इस माखेल से नदियाँ बहती रहती हैं, तो नदियाँ क्या है, इसको अपवर्धन करते हुए काटती चली गई है। ठीक है, इसको अपवर्धन करते हुए काटती चली गई है। ग्रेनाइट यहाँ की प्रमुख चट्टानें हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपके आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान में आपका ग्रेनाइट भी मिलता है। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट भी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैन पाट। अब मैन पाट के बारे में क्या जानते हैं, ये देखिए, ये जो मैन पाट है हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यह एक ठंडा प्रदेश है ना। 1963 में जो तिब्बत के शरणार्थी आए थे ना, कितने, 1963 में,
1963 में जो तिब्बत से शरणार्थी आए थे उसको यही बचाया था। और ये मैनपाट है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है, ठंडा क्षेत्र, ठंडा, ये हमारे ठंडा क्षेत्र माने जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो मैनपाट है ना, छोटा नागपुर पठार के समूह वाला भारत के वृहद मध्य जल का विभाजक करता है। मैनपाट जो है मध्य छत्तीसगढ़ मध्य इस समय मध्य क्षेत्र का जल विभाजक, मतलब जशपुर के मध्य भाग में ये है मैनपाट, और ऊपर से कुछ नदियाँ आती हैं, नीचे कुछ नदियाँ निकलती हैं, तो ये उसका जल विभाजक का कार्य करता है ना। मांड नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, मांड नदी, तो मांड नदी पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब मांड नदी यहाँ से निकलती होगी, है ना। मांड नदी यदि पूर्वी सीमा बनाती है तो मांड नदी यहाँ से ऐसी निकलती होगी, ठीक है। और श्रृंखला मांड नदी इसकी श्रृंखला बनाती है, मांड नदी इसकी सहायक पूर्वी सीमा बनाती है। पाट के उत्तरी सतह पर लेटराइट, एल्यूमिनियम और अधिक अंश मिलता है, ठीक है। पश्चिम में रेहर नदी और रिहंद नदी भी होती है, पश्चिम में रेहर नदी, यदि यहाँ पे आपका रेहर और रिहंद नदी बहती है, रेहर और रिहंद नदी बहती है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा भौगोलिक भौगोलिक आपका विभाजन है, तो वो है आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, यह है हमारा बघेलखंड का पठार, यह है हमारा बघेलखंड का पठार, इसको बोलेंगे बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड क्या है, यह हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में है, यह जो है छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका आता है बलरामपुर, है ना, बलरामपुर जिला, कोरिया जिला, सरगुजा जिला और जशपुर जिला, सूरजपुर जिला, सॉरी जशपुर बोलता हूँ, सूरजपुर जिला इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सरगुजा के मेन पार्ट को छोड़कर, सरगुजा में जो मेन पार्ट है ना, अच्छा सरगुजा में मेन पार्ट का है, मेन पार्ट तो हाँ ठीक है, सरगुजा में जो मेन पार्ट है उसको छोड़कर शेष सभी इसी में आते हैं। यदि हम मेन पार्ट को छोड़ देते हैं तो शेष इसी में आते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई बोलते हैं, इसकी प्रतिशत है 15.31% है इसका, पूरे छत्तीसगढ़ के एरिया को मिला दिया जाए तो ये हमारा जो बघेलखंड का हिस्सा है, देखिए बघेलखंड हमारे छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, ये जब आप इंडियन भूगोल पढ़ेंगे तो एक बघेलखंड नामक का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसी बघेलखंड का ये पूर्वी भाग है ना, उसी बघेलखंड का ये पूर्वी भाग है और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, ठीक है। बघेलखंड का पूर्वी भाग है और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, बघेलखंड पूरा ऐसे फैला हुआ है एमपी यूपी के साइड में, तो ये इसका ना पूर्वी भाग है, तो बघेलखंड का पूर्वी भाग है और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है। टोटल कितना प्रतिशत इसमें जनसंख्या या फिर कितना प्रतिशत इसमें स्थान है, तो 15.31% है, ठीक है, 15.31% इसमें होती है। इस भूखंड को हम भी पाट प्रदेश कहते हैं। मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी पाट को रिहंद और कान्हा नदी अलग करती है, रिहंद है और जो कन्हार नदी है इसको अलग करती है, किसको, रिहंद और कन्हार नदी जो है मध्यवर्ती मैदान को अलग कर देती है। यहाँ प्रदेश का आपको पर्याप्त कोयला का भंडार पाया जाता है, हमने इधर जशपुर के एरिया में आपको देखा था, यहाँ पे आपके ग्रेनाइट वगैरह मिल रहे थे क्योंकि यहाँ पे आग्नेय चट्टान था, यहाँ आपके आपके शैल ऐसे हैं कि आपको यहाँ अधिक से अधिक कोयला मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। लोगों का कहना है कि ये लगभग आपके छोटा नागपुर का ही हिस्सा है, मतलब छोटा नागपुर के समान ही यहाँ पे पूरे हिस्से में आपकी खनिज लवण मिलते हैं, और इसी एरिया में भी आपको छोटा नागपुर आगे जाते जाएंगे तो आपको छोटा नागपुर का पठार भी मिल जाएगा। तो एक कोयले का भंडार है जहाँ पे आपको सोनहत पहाड़ी झारखंड और चिरमिरी है ना। तो आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे आप कोयले के पर्याप्त भंडार, आपके सोनहत की पहाड़ी मिलेंगे, चांगभगार मिलेंगे, और सोनहत के सोनहत तो मिलेगा ही, साथ में आपके चिरमिरी है ना, चिरमिरी, आपके चिरमिरी में भी कोयले का भंडार आपको देखने को मिलता है। यही आपका चांगभगा, देखिए यहाँ पे जब चंवर ढाल था, है ना, इधर रायगढ़, सॉरी नीचे रायगढ़ में आपका चंवर ढाल था, जो हमने पढ़ा था ना महानदी के उत्तर पूर्वी का जो उच्च सीमांत भूमि है वो चंवर ढाल था, लेकिन आइए चांगभगार है, ये जो है आपका चांगभगार है, चांगभगार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, इधर है आपका चांगभगार और देवगढ़ की पहाड़ियाँ,
इसी में आपको कोयला की खदान सोनक की पहाड़ी है, सुहागपुर बेसिन है जो आपको छत्तीसगढ़ से सबसे ऊपर मिलता है। बेसिन का मतलब मैं पहले बता दिया हूँ कि नदियाँ जहाँ से बहती हैं, है ना, जहाँ पानी इकट्ठा करते हुए निकलती है उसको हम बेसिन कहते हैं। अगर कहीं बेसिन शब्द का उपयोग हुआ तो ये मान के चलिए कि वहाँ से नदियाँ या नदियों का ग्रुप निकला हुआ है, यह होता है बेसिन का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च मैदान के मैदानी दक्षिणी भाग और मैन पार्ट की सीमा दक्षिणी पूर्व में स्थित है। क्या बोला, जो मैन पार्ट के उत्तरी स्थित उत्तर में ये स्थित है, उत्तर में आपके उत्तरी पार्ट और पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें कुछ कुछ पहाड़ी भी है, जैसे सुहागपुर का आपको बेसिन हो गया, पहाड़ी में आपको ले मिलेगा चांग बघार देवर की पहाड़ियाँ, सोनहत की पहाड़ियाँ हैं, ये सब इसमें पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। इसी में आपका दरभा घाटी भी है, सोन घाटी जो है ना वो एक उसे दरार की घाटी है, सोन जो है ना, सोन नदी यहाँ से ऐसा निकलता है, तो ये आपकी दरार की घाटी है। ठीक है, यह है आपकी दरार की घाटी है। इस आपके बघेलखंड वाले हिस्से में भूगर्भिक बनावट कैसा है, तो यहाँ पे गोंडवाना मिलता है। देखिए, जहाँ कोयला मिलेगा वो गोंडवाना पे ही मिलेगा, क्योंकि पता है कि गोंडवाना चट्टान में ही कोयला मिलता है, गोंडवाना चट्टान में ही कोयला मिलता है, तो यहाँ पे आपको गोंडवाना की चट्टानें मिलेंगी। खनिज क्या मिलेगा इस हिस्से में, तो खनिज का हमला लगभग आपका कोयला मिलेगा, कोयला जो चिरमिरी वगैरह मिलता है, चिरमिरी है, सोनहट है, इस प्रकार यहाँ पे कोयला मिलते हैं। सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो यहाँ देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, है ना, देवगढ़ सबसे ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़, यहाँ पे है आपका देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची है, जो 1033 मीटर है। ढाल किस ओर है, तो ढाल उत्तर की ओर है। कैसे पता चला उत्तर की ओर है, कैसे पता चला कि उत्तर की ओर है, क्योंकि यहाँ से जो नदी निकलती है ना, ये इसी साइड निकल जाती है, और नदी का जो ढाल है या जो ढाल रहेगा पानी उसी में बहेगा, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसकी जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, इसकी जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, इसमें नदी है बनास, गोपद, रिहंद, कान्हर, बिजाल, बहुत सारे इसमें नदियाँ हैं। अब प्रमुख भूभाग देखिए, कन्हार बेसिन है, रिहंद बेसिन है, चांद बघार की पहाड़ियाँ है, देवगढ़ चांद बघार देवगढ़ की पहाड़ियाँ है, सुहागपुर बेसिन है, कोरिया सोनहत पहाड़ है, ये इसमें फेमस फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, फेमस फेमस चीज़ें, और इसमें और क्या क्या मिल सकता है ये बताइए। तो इसमें चांग बघार देवघर की पहाड़ियाँ तो मैं बता ही दिया हूँ, है ना, चांग बघार देवघर की पहाड़ियाँ मिलेगी। दूसरा इसमें कैमूर पर्वत श्रृंखला है, देखिए आपकी ये जो जो है ना, ये यहाँ पे जो आपकी मिली गई है पहाड़ी एरिया, तो ये आपके कैमूर पर्वत का हिस्सा है। पिछले हमने जो देखा था मैकाल, वो आपके सतपुड़ा का लास्ट रेंज था, ये जो है आपके कैमूर पर्वत है, है ना, कैमूर पर्वत की ये सब श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है रामगढ़ की पहाड़ी, इसी में मिलती है सीतालेखनी की पहाड़ी, आपकी सूरजपुर में मिलता है। सीतालेखनी का जो पहाड़ है सीतालेखनी, इसी में आपको पिछले बार क्वेश्चन आया था सीतालेखनी कहाँ का है, सीतालेखनी, तो सीतालेखनी जो है आपके सीतालेखनी आपको सूरजपुर में मिलेंगे, रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी इसी में देखने को आपको मिलेंगे। यदि इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो देखिए कुछ कुछ डिटेल कर लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे। जैसे यहाँ चांग बघार की पहाड़ियाँ हैं, चांग बघार की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, ये है, तो ये चांग बघार की पहाड़ियाँ में क्या क्या मिलने की संभावना देखिए। तो ये आपके किस ज़िले में चले जाएगा, पहले तो अभी जो MCB है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसमें कुछ हिस्सा आपका इसमें चला जाएगा। सबसे ऊँची पहाड़ी है देवगढ़ में, बता दें यहाँ पर देवगढ़ है, देवगढ़ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, देवगढ़ की पहाड़ी है। अब ये हिस्सा किसका है, तो ये बघेलखंड पठार है जो बघेलखंड का पूर्वी भाग है। ठीक है, कैमूर, ये जो कैमूर पर्वत है ये जो आपके विंध्याचल का भाग है, ये है ना, इसको हम कैमूर पर्वत बोलते हैं, इसी को बघेलखंड को, ये आपके विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल, है ना, विंध्याचल पर्वत है MP में, उसका ये श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें रामगढ़ की एक पहाड़ियाँ मिलती है जो क्वेश्चन में आता है, ये आपका, ये है आपका सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है सरगुजा में है, रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सरगुजा में है। इसी में आपका सीता बेंगरा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल, रावण दरवाजा, बहुत सारा है। क्या कहा है इसमें, सीता बेंगरा जोगी मारा है ना, लक्ष्मण बेंगरा, रावण दरवाजा, इस प्रकार की जो भी स्थिति है ना, इस प्रकार जो भी जो चीज़ें हैं वो आपको इस चंवर ढाल के, चंवर ढाल बोलता हूँ, बघेलखंड एरिया में आपको मिल जाएगी।
सीता लेखनी पर क्वेश्चन आया था कि कहाँ स्थित है, तो सीता लेखनी जो है वो सूरजपुर में स्थित है, सीता लेखनी का जो पहाड़ है वो सूरजपुर में स्थित है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आपका एक और हमारा टॉपिक बचेगा, वो है हमारा दंडकारण्य का पठार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।